देश में बढ़ रही प्याज की कीमतों को लेकर अब मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। संसद में भी महंगाई को लेकर बहस चल रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जवाब दिया, जिसके बाद संसद में ठहाके लगने लगे। वित्त मंत्री ने कहा कि वो इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हैं और ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ प्याज लहसुन का ज़्यादा मतलब नहीं है। दरअसल संसद में प्याज खाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सदस्यों ने पूछा कि आप प्याज खाती हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन से मतलब नहीं रखते। इससे पहले एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एनपी और प्याज किसानों का मुद्दा उठाया था। सुप्रिया सुले ने कहा, मैं सरकार से प्याज के बारे में एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। सरकार मिस्र से प्याज मंगा रही है, प्याज की व्यवस्था कर रही है। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्याज होता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि प्याज का उत्पादन क्यों गिरा। हम चावल और दूध सहित बहुत सी चीज़ों का निर्यात करते हैं, छोटे किसान प्याज का उत्पादन करते हैं और उन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्याज की कीमतों की निगरानी करने वाले मंत्रियों के कुछ समूहों का मैं 2014 से हिस्सा रही हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि प्याज का उत्पादन सरप्लस हो जाता है तो सरकार किसानों को उनका उत्पादन निर्यात करने में मदद करती है। मैंने प्याज के निर्यात में 5-7% का मदद लिए जाने को लेकर आदेश दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।